अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को 17 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाया है। जज ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 61,000 का आर्थिक दंड लगाया है। जज ने अपने फैसले में कहा कि समाज में बालिकाओं के प्रति बढ़ते यौन शोषण के अपराध को देखते हुए आरोपी से नरमी बरतना उचित नहीं है। अभियोजन विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 4 अगस्त 2020 को मंगलियावास थाने में 17 साल की नाबालिग के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी को मोनू सिंह नाम का युवक बहला फुसला कर भगा कर ले गया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 अक्टूबर 2020 को नाबालिग को दस्तियाब किया था, जिसने पुलिस पूछताछ में बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया है, जिसके बाद मंगलियावास थाना पुलिस ने 9 अक्टूबर 2020 को आरोपी देवपुरा गांव निवासी मोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट 2 की न्यायाधीश ने 16 गवाह और 34 दस्तावेज के साथ डीएनए एफएसएल की रिपोर्ट पर फैसला सुनाते हुए आरोपी मोनू सिंह को 20 साल की कठोर कारावास और 61,000 का आर्थिक दंड लगाया है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।